हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम चार बेकनिक ब्लाउज के डिजाइन बनाना सीखेंगे। बट गाइस, उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 14 लिया है, शोल्डर मैंने यहाँ पे 6 लिया है, आर्म होल भी मैंने यहाँ पे 6 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई हमारा यहाँ पे 34 इंच का, तो 34 का चौथाई 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस देखिए, मैं इस पर किस तरह का डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह का हम राउंड जैसा यहाँ पे शेप देंगे, उसके बाद हम ऊपर से इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए गाइस, अगर आपका एक बार में डिजाइन ना आए तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, मैं इसको किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
देखिए गाइस, हमारा पहला ब्लाउज का डिजाइन बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस, अब हम दूसरा ब्लाउज का डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13 लिया है, शोल्डर मैंने यहाँ पे 6 लिया है और आर्म होल मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है और ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9.5 लिया है और कमर का चौड़ाई 9 लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई गाइस 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ नीचे से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम बोट नेक का शेप दे देंगे। गले की मैं टोटल लंबाई यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए गाइस, अगर आपका एक बार में डिजाइन ना आए तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। अब हम इस तरह के एक बकरम लेके इसको डबल फोल्ड करके डिजाइन के ऊपर रख लेंगे और सेम डिजाइन हम इस पर भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। हमारा दूसरा ब्लाउज का डिजाइन भी बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस, अब हम तीसरा ब्लाउज का डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 14 लिया है, शोल्डर मैंने यहाँ पे 6 लिया है और आर्म होल भी मैंने यहाँ पे 6 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10.5 इंच लिया है और कमर का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई यहाँ पे मैं 10.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ।
अब इन लाइन को एक साथ मिला लेना है। अब गाइस इस पर हम ब्लाउज का डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ से इस तरह से कुछ राउंड का शेप दे रही हूँ। अब हम इस तरह से इस लाइन को ऊपर तक ले आएंगे। तो देखिए गाइस हमारा डिजाइन तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने इसको बहुत ही अच्छे से कटिंग कर लिया। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस हमारा तीसरा ब्लाउज का डिजाइन भी बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस अब हम चौथा ब्लाउज का डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर और आर्म होल दोनों मैंने 5.5 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है और कमर का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ नीचे से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब गाइस यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस इस पर हम बोट नेक का शेप देंगे। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब गाइस इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए गाइस मैं इस पर किस तरह का डिजाइन बना रही हूँ। अगर आपका एक बार में डिजाइन ना आए तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट की बहुत ही अच्छे से कटिंग कर ली है। अब मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूंगी।
तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे दोनों ही पार्ट की कटिंग अच्छे से कर ली है। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। हमारा चौथा ब्लाउज का डिजाइन भी बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।